अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आई एम बैक विद अनदर वीडियो। सो आज मैं आपके साथ बिना चिकन और बिना गोश्त के बनाए जाने वाले कबाब की बहुत ही मुनफरिद और आसान सी रेसिपी शेयर करूँगी। इसके लिए मैंने एक प्याज, धनिया, पुदीना, आलू, बंद गोभी, शिमला मिर्च और गाजर ली हैं। सबको आप अपनी मर्ज़ी से चॉप या कद्दूकश करके ऐड कर सकते हैं। सो यहाँ मैंने उबले हुए चनों को मैश कर लिया है और वन बाय वन सब वेजीज ऐड कर दी हैं। इसी के साथ अब हम स्पाइसेस ऐड करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम नमक ऐड करेंगे अकॉर्डिंग टू टेस्ट। रेड चिली ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून, चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे 1/2 टेबल स्पून, ज़ीरा 1/2 टेबल स्पून, गरम मसाला 1 टेबल स्पून, जिंजर पाउडर भी ऐड करेंगे इसमें अच्छे टेस्ट और खुशबू के लिए 1 टेबल स्पून, और खुशखाश ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून। आप चाहें तो खुशखाश चॉइस पर भी रख सकते हैं, लेकिन इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है इसलिए हमने 1 टेबलस्पून खुशखाश भी ऐड की है। इन सब मसाला जात को मिक्स करके हम इसको कबाब की शक्ल दे लेंगे। आप चाहें तो लंबे कबाब बनाएं या चाहे गोल वाले। सो यहाँ अब हम इस पर तिल और अंडे की कोटिंग करेंगे। यहाँ हमने ब्रेड क्रम्स नहीं यूज़ किए। जब घी अच्छे से गर्म हो जाएगा हम इसमें 1/1 कबाब ऐड कर देंगे। आप चाहें तो इन कबाबों को चाय के साथ सर्व करें या इसको बर्गर में लगाकर भी आप खा सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी से ये कबाब बनेंगे। आपको चने उबालने का बेहतरीन तरीका बता दूं। चने उबालने के लिए हम हमेशा चनों को रात के वक्त भिगोएंगे और सुबह उठकर इसको 10 से 15 मिनट तक सोडा लगा के रख देंगे और फिर इसको धोकर फिर उबालेंगे। इससे हमारे चने बहुत अच्छे तरीके से गल जाएंगे और चने बिल्कुल भी हार्ड नहीं रहेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी, डू लाइक, डू कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर।